न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। महापर्व छठ पूजन के सामानों की खरीद के लिए बाजारों में आई तेजी, साफ सफाई को लेकर जिला प्रशासन हुआ गंभीर। महापर्व छठ पर्व को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए चलाए विशेष गाड़ियां। सीपीआरओ ने कहा यात्रियों को नहीं होने दी जाएगी कोई भी दिक्कत। मंडलायुक्त ने किया निर्माणाधीन सड़कों, मिनी एनेक्सी तथा बेतिहाता में चल रहे अंडरग्राउंड तार डालने के कार्यों का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई निगम के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए सभी 70 वार्डों में खुलेगा नगर निगम का दफ्तर। तेजी से चल रहा है कोवा बाग अंडरपास का काम। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने बताया मई 2019 पर जनता के लिए उपलब्ध होगा अंडरपास। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया 26 नवंबर से चलेगा मिजलस रूबेला टीकाकरण अभियान। कहा अपने बच्चों को जरूर लगवाएं खसरा और रूबेला का टीका। शिकायत मिलने पर नगर मजिस्ट्रेट ने बियर की दुकान का किया निरीक्षण, भेजा संबंधित विभाग को रिपोर्ट। नोटबंदी की दूसरी वर्षगांठ पर कांग्रेसियों ने काली पट्टी बांध कर जताया विरोध, मनाया काला दिवस। ग्राम प्रधान द्वारा छठ घाट पर रोक लगाए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन, घाट पर पूजा करने की मांगी अनुमति। और गोरखपुर क्रिकेट लीग में टीडीएम क्रिकेट एकेडमी ने आर्टिस्ट क्रिकेट एकेडमी पर 2 विकेट से दर्ज की जीत।